नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। पैसा घर तक साथ रहेगा और परिवार शमशान तक, जबकि कर्म और धर्म इस लोक के साथ परलोक में भी आपका साथ रहेगा। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही आप भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। दोस्तों, ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो सिक्के ही ढूंढता है। दोस्तों, सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ, जो प्रभु ने थोड़े गम दिए दोस्तों, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आप भावनात्मक रूप से स्वयं को सशक्त महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, यश में सभी परेशानियों का हल आप बुद्धिमत्ता और विवेक तरीके से ढूंढ लेंगे और दोस्तों, यश में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में जल्दबाजी में लिए हुए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। कि दोस्तों, यश में बेहतर होगा कि सोच समझ कर ही किसी कार्य को करें। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यश में अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में कुछ कुंठा भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों, आपको अपने विचारों में ही बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। हर छोटी बात को लेकर आप जो है अधिक तनाव में जाने की वजह से अपने काम करने की प्रेरणा आपको जो है नहीं मिल रही है दोस्तों, जिसकी वजह से समस्याएं अधिक बढ़ रही है। दोस्तों, काम को वक्त पर ना पूरा होने की वजह से आपको अधिक तनाव का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे। इसलिए दोस्तों, प्रयासरत रहें। पिछले कुछ समय से जो भी दीर्घकालीन योजनाएं बनाई थी दोस्तों, उन लक्ष्यों को हासिल करने का उचित समय होगा। युवा वर्गों को भी यह समय कोई अच्छी सफलता हासिल होने से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ने वाले हैं। शादी दोस्तों, यश में ध्यान रखें कि आपकी भावनाओं तथा उदारता का गलत फायदा भी कोई उठा सकता है। आर्थिक रूप से कुछ उलझन तथा समस्याएं उभरेगी। दोस्तों, किसी के साथ संपर्क स्थापित करने का जो आपका सोच है इसमें अच्छा है, लेकिन दोस्तों, यश में आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि काम संबंधी सभी योजनाएं यश में सफल रहेंगी और सारे काम आपके यश में पूरे होंगे। इसलिए दोस्तों, यश में योजना के अनुसार ही काम को पूरा करने की जिद को दूर रखना आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपके लिए जो समय होंगे धन के मामले में श्रेष्ठ समय होगा। धन में सुधार संबंधी कोई योजनाएं बनाते समय वास्तु के नियमों का आप अवश्य पालन करें। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में कुछ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होगा तथा आप अपने आप को तनाव मुक्त से महसूस करेंगे। इसके उपरांत शेष में किसी के साथ भी अधिक वाद विवाद में ना पड़े दोस्तों, इससे जो है खुद की मानहानि भी होना संभव होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी यश में बढ़ने वाली है, परंतु आप उन्हें निभाने में सक्षम भी रहेंगे। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, अगर इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, घर में कोई धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है। आपकी सामाजिक और धार्मिक दोनों कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। लोगों के साथ मिले जुले रहने की वजह से मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि समय मान प्रतिष्ठा वर्धक रहेगा। रुकावटें तथा बाधाओं के बावजूद भी आप अपनी महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में यश में सक्षम रहेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि अपने आसपास के सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपको अपने मानसिक रूप से बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करेंगे। शानदार समय इससे व्यतीत होगा और इसके उपरांत समय आप जो है अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। बच्चों को ज़्यादा ढीला ना छोड़ें, अन्यथा उनकी वजह से जो है नकारात्मक गतिविधि भी बढ़ सकती है। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए स्वयं होगी, आपको बता दें कि काम से संबंधित भागदौड़ यह समय बढ़ सकती है। काम भले ही प्रगति की ओर जा रहा है, फिर भी दोस्तों सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह समय आपको बता दें कि अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करने की वजह से शारीरिक तकलीफों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। मन के साथ साथ शरीर का भी आपको आराम देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों समय अगर आपकी करियर यानी आपके व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। कुछ अनुभवी व्यक्ति की सलाह का अनुसरण अवश्य करें। शेयर बाजार तथा तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वालों के लिए सावधानी अवश्य रखें। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, कार्य विस्तार की योजना पर अधिक निवेश करने आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि ये समय व्यवसाय में सभी काम सुचारू रूप से चलते भी रहेंगे, परंतु दोस्तों दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं ही कार्य को निपटाने का प्रयास करें, तभी आप जाकर सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आप अपनी योग्यता के अनुसार उच्चतर परिणाम भी इसमें हासिल करने वाले हैं। नौकरी में सकारात्मक स्थायित्व भी बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। ये जो समय होंगे आपके लिए व्यवसाय के संबंधी अपनी जो है कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किए हैं उनका उचित परिणाम भी इसमें हासिल होने वाले हैं। दोस्तों नौकरी में लक्ष्य तथा टारगेट को पूरा करने का दबाव भी इसमें आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें अगर आप अपने कार्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित करेंगे तो अच्छी सफलता को हासिल करेंगे और इन पर आप खरा उतरेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कारोबार में मनोवांछित परिणाम भी हासिल कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों जल्दी कामयाबी की चाह में गलत रास्ते का चुनाव ना करें। राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य दोपहर से पहले ही आप निपटा लें तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी की वजह से तकरार की उत्पन्न हो सकती है और दोस्तों एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना आपके लिए इसमें अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी तथा परिवार के साथ घूमने फिरने तथा मनोरंजन में समय भी व्यतीत होगा। किसी भी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी कोई उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय जीवन साथी व फिर पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी इसमें विवाह संबंधी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति को जैसे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। आपसे आत्मविश्वास व प्रेम को बनाए रखना इसमें आपके लिए आपके लव लाइफ के लिए जरूरी होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों खांसी जुकाम व फिर एलर्जी जैसी दिक्कत रह सकती है। ठंड से अपना बचाव करें तथा प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय गैस वायु आदि की वजह से जोड़ों में दर्द व फिर बेचैनी की समस्या भी रह सकती है। अपने खान पान को व्यवस्थित रखना यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु अपनी दिनचर्या तथा खान पान को उचित बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होंगे। तो दोस्तों ये जो सभी पर ध्यान दें ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा बैंगनी और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।